दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है येलो डस्ट। आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। दरअसल उत्तर कोरिया में अधिकारियों द्वारा नागरिकों से येलो डस्ट के बादलों के संपर्क से बचने के लिए घर के अंदर रहने का आग्रह किया गया है। यह डस्ट हर साल चीन से उत्तर कोरिया की ओर उड़ती है। अधिकारियों ने कहा है कि येलो डस्ट की आंधी के संपर्क में आने से कोविड-19 का संक्रमण हो सकता है। अब जानते हैं कि आखिर ये येलो डस्ट क्या है। यह चीन और मंगोलिया के रेगिस्तान से उड़ने वाली रेत है। यह रेत हर साल एक विशेष अवधि में तेज गति की सतही पवनों की सहायता से उत्तर और दक्षिण कोरिया की ओर उड़ती है। इस रेत के कण उद्योगों से निकलने वाले जहरीले पदार्थों यानी प्रदूषकों के साथ मिल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप येलो डस्ट के संपर्क में आने से श्वसन संबंधी बीमारियों के होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में वायुमंडल में येलो डस्ट की सांद्रता 800 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के आसपास होने पर स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। आइए अब समझते हैं कि क्या येलो डस्ट के कारण कोविड-19 का संक्रमण संभव है। दरअसल यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC के अनुसार कोरोना वायरस हवा में काफी समय तक रह सकता है, लेकिन येलो डस्ट की आंधी से कोविड-19 संक्रमण के फैलने की संभावना नहीं है। इस प्रकार CDC ने इस पीली धूल यानी येलो डस्ट की आंधी के कारण होने वाले कोविड-19 के आउटडोर संक्रमण के दावे से इनकार किया है। CDC के मुताबिक लोगों में कोविड बीमारी के संक्रमण के तेजी से फैलने के कोई सबूत नहीं है, बल्कि कोविड-19 बीमारी किसी संक्रमित व्यक्ति के निकट आने पर उसके खांसने, छींकने या बातचीत करने से ड्रॉपलेट्स के माध्यम से कोरोना वायरस के फैलने से होती है। अब एक नजर इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। येलो डस्ट का उड़ना एक मौसमी घटना है जो चीन और मंगोलिया के रेगिस्तान में उत्पन्न होती है। गौरतलब है कि धूल कणों में वायु प्रदूषक उपस्थित होते हैं और धूल कणों में उपस्थित इन वायु प्रदूषकों के संपर्क में आने से गर्भावस्था के दौरान नवजात शिशुओं का जन्म के समय वजन कम हो जाता है। अब बारी हमारे आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, येलो डस्ट चीन और मंगोलिया के रेगिस्तान से उड़ने वाली रेत है। कथन दो, इस रेत के कण उद्योगों से निकलने वाले जहरीले पदार्थों यानी प्रदूषकों के साथ मिल जाते हैं। कथन तीन, येलो डस्ट की आंधी से कोविड-19 संक्रमण के फैलने की संभावना होती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है। ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन या फिर डी एक दो और तीन। तो कमेंट बॉक्स में उत्तर देना ना भूलें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।